भाई ऑल तो मैं जा रही हूँ सोलो डेट पे, तो मैंने जल्दी से मैंने सोचा इतना क्या ही पहनना है, तो मैंने आई जस्ट वॉर दिस ब्लैक प्लाजो एंड माई वाइट वेरी कंफर्टेबल टी शर्ट फॉर माई होम एंड दिस वॉच। और फिर अब मैं निकल रही हूँ, माई बैग कैरिंग अ बुक विथ मी एंड आई रीड टिल द ऑर्डर कम्स। बाय बाय, सी यू ऑल। स्टेट से मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूँ, लेट डोंट वेट फॉर एनी वन टू कम टू ज्वाइन यू। इफ दे डोंट वॉन्ट, लेट देम नॉट, यू आर इनफ। जस्ट गो टू दैट रेस्टोरेंट विच यू आर वेटिंग टू गो विद देम, यू कैन गो अलोन। ओके गाइज, सो लेट्स गो। बेसिकली मैं यहाँ पर पहुँच गई थी, बड़ा ही प्यारा था, हाइजीनिक था। मैंने ऑर्डर किया था मंचूरियन और फिर मैंने टेस्ट किया, टेस्टी रहता है यहाँ का मोस्ट ऑफ द टाइम, और आज भी टेस्टी ही था। उसके बाद फिर मैंने आइसक्रीम मंगा लिया था, वो खाया, फिर मैं वहाँ से निकल आई। और फिर मेरे दिमाग में आया जब मैं स्कूटी चालू कर रही थी कि यार कुछ रीडिंग तो हो ही नहीं पाई, तो फिर मैंने कहा एक पार्क है वहाँ जाकर बैठूँगी और नेचर से इंट्रैक्शन भी हो जाएगा विद ऑल दोस ट्रीज एंड प्लांट्स। तो फिर मैं चली गई और मैंने एक बेयर फुट से वॉक की इन द ग्रास, एंड मैं बैठी हुई थी अपना रीडिंग वगैरह कर रही थी एंड राइटिंग भी कर रही थी थोड़ा सा। और साथ में मेरे पास में एक नन्ना सा मेहमान आके बैठ गया, जो इतना प्यारा सा ये पपी, और बड़ा ही क्यूट था, अपने आप आ गया एंड बहुत अच्छा लगा फिर मेरे को। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल आई और अपना घर पहुँच के अपना शॉर्ट्स उठाया और बैठ गई, रीडिंग करने बैठ गई, अपना बन बनाया और रिलैक्स किया। और फिर उसके बाद मैं तो यही मानना है, कहीं भी चले जाओ, ईस्ट और वेस्ट, योर होम इज़ द बेस्ट। तो जो रिलैक्सेशन घर पर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। अब जाओ, एक एडवाइस है, जाकर अपना पढ़ाई